उल्टा बोलो तो। हाँ? नहीं आता है, स्पीड नहीं है, बता सकता है, बताओ। उल्टा है बीसीडी, स्पीड थोड़े बताना है। हाँ रुक रुक के बोलो। नहीं होगा। गड़बड़ है, दोनों तरफ से आना चाहिए बीसीडी, ठीक है, उल्टा भी देखो। जो जैसा लिखे हैं वैसा लिखो। हम जितना लिखे हैं उतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। लिखो। हो गया, बातचीत नहीं होना चाहिए, शांत रहिए। देखो ए बी सी डी हम कितना तक लिख लिए, एम। एम कितना नंबर आएगा, 13, यानी 20 तक। ये 26 बोला था तो उसका 20 तक एम, टोटल 26 है ना। इधर आपका एन लिखिए उल्टा करके, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू V W X Y Z, इतना लिख लो पहले। लिया यानी जेड तक। ये इसका सभी का नंबर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 1 से 26 तक होगा। चलिए हम इसका नंबर पहले लिखते हैं। देखो ए कितना नंबर में होगा, एक। बी जैसे लिख रहे हो वैसे लिखोगे, छब्बीस तक ऐसा लिख लिया। लिख लिया। ठीक है, तो एक से कितना तक हो गया, 26 तक। कोई भी अगर लेटर बोलेंगे उसका नाम नंबर याद होगा। चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो कॉपी बंद करो, तो ऐसे थोड़ा सा पलट के रखो, चेक करते हैं। अरे तब ना पता चलेगा पढ़ाई ठीक हो रहा है कि नहीं, तुम बताएगा, ठीक है। जे कितना नंबर में आता है, बारह। शांत रहिए, आवाज नहीं निकलना चाहिए, ठीक। तुम बताओगे जी, एल बताओ तो। एल 12। हाँ जे बोल रहा था, तुम बता। के कितना नंबर आता है,
तुम बताएगा अभी, टी बताओ तो। इतना दूर का पूछ दिया सर। तुम बताएगी लड़की, ठीक है। एम बताओ। एप सिक्स, जे एन, यू गड़बड़ा गया, ठीक है। देखिए अभी आपको याद करने का आपको कुछ कुछ तरीका बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो एक से पांच तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ए बी सी डी ई तक है। ए कितना, एक नंबर, बी दो नंबर, सी तीन नंबर, डी चार नंबर, ई पांच, पांच तक दिक्कत है। डी कितना नंबर, डी चार, सी सी तीन, बी दो, ई फाइव। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखो, एक दो आगे पीछे याद करना। जेड तो आप लोग को याद होगा, जेड कितना नंबर, लास्ट, सबसे लास्ट। और ए बी सी डी ई तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, छह लेटर कम, ठीक है। छेड तक भी, एफ तक भी आप गिन सकते हो, ठीक। ये कौन सा लेटर है, एच, ठीक है। देखते चलना, इसको यदि ऊपर में ऐसे मिला देंगे और नीचे भी, क्या बन जाएगा, कितना, एट, ठीक है। तो एच कितना नंबर, आठ हो जाएगा। क्या लिखे हैं बताओ तो, क्या लिखे हैं, इंग्लिश का कौन सा अक्षर है, जे आई है कि जे है, हाँ? देखो जे ऐसे होता है और स्टाइल से आई ऐसे लिखता है, कोई कोई ऐसे लिखता है, हाँ। तो ये आई है। अब बताओ ये कौन सा डिजिट है इस अंक में, नाइन, दिक्कत नहीं है। तो आई कितना नंबर, नाइन हो गया। एच कितना, एच ऊपर मिला दिए थे ना, तो एच का कितना हो जाएगा, एट, ठीक। और आई कितना नंबर हो जाएगा, नाइन। आई के बाद कौन सा लेटर आता है, जे, दस होगा। जे के बाद के, ग्यारह तक याद रखना। उसके बाद एम जो होता है, ये मिडिल होता है, एम का मतलब मिडिल। तेरह, छब्बीस का आधा कितना होगा, तेरह, तो तेरह नंबर ये होगा। अब तेरह के बाद क्या करोगे, एक आगे चल जाना, एक पीछे चल जाना। एम के बाद क्या आता है, एन, तो तेरह के बाद क्या होगा, और एक आगे चल जाइए, एन के बाद ओ, पंद्रह, ठीक है। इस तरह से एक आगे पीछे जाना। एम से पहले क्या आता है, एल, एल कितना होगा, बारह, समझ आ रहा है। तो इस तरह से आपको याद करना। चलिए देखते हैं, एच, एच का ऊपर में मिला दिए थे, ऊपर नीचे, क्या कितना नंबर, एच एट, ठीक है। एफ कितना, तो एच से पहले आता है सिक्स, नहीं नहीं एफ से पहले जीन आता है, जी को अभी लिया नहीं है, चलो ठीक। तो देखिए एफ कितना बताए थे, सिक्स, ठीक। तो अब देखिए आई, आई कितना नंबर, आई को कैसा हम लिखे हैं, स्टाइल वाला, तो ये नाइन हो जाएगा, ठीक। आई के बाद क्या आता है, जे, जे टेन हो जाएगा, चलिए अभी एक दो बार पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तुम बताएगा पहले, ठीक। ई कितना नंबर, ई, पांच, डी, फोर, फोर नंबर, चलो एच, एच का ऊपर नीचे मिलाए थे, आई बताओ, नाइन, आई के बाद जी आता है, कितना नंबर होगा, टेन, चलो ठीक। अब देखिए एम बीच में आता है, कितना नंबर होगा, तेरह। एम के बाद एन आता है, कितना नंबर होगा, चौदह। और एम से पहले एल आता है, कितना नंबर होगा, एम से पहले एल, एम कितना था, तेरह, और उससे पहले एल आता है, बारह होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे याद करो, एक बार खाली आपको टाइम लगेगा, ठीक है, और जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आइए, क्रिकेट मैच कौन कौन देखता है रे, थोड़ा बहुत देखो भाई, ठीक है,
ये देखो टी ट्वेंटी ऐसा नहीं लिखता है, ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं लिखता है, ऐसा लिखता है क्या? नहीं लिखता वैसा, टी ट्वेंटी लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो टी कितना नंबर? ट्वेंटी नंबर, और टी के बाद क्या आता है? यू, तो जरूर है टी के बाद यू जो आता है वो कितना होगा, और टी से पहले एस आता है कितना होगा? 19, तो इस तरह से याद रखना है, टी कितना, तो टी तो 20 हो गया, टी से पहले एस आता है, एस कितना होगा? 19, ठीक है, और टी के बाद क्या आता है? यू, यू कितना नंबर? 21, क्या लिखे हैं? जी, क्या बना? जी कितना नंबर होगा? 7, ठीक है, याद रखिएगा जी कितना? 7, ठीक है, तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे तरीके से आज इसको ऐसे याद रखिए, जी 7, जी 7 जानते हो क्या होता है? नहीं पता है, जी 7 नहीं पता? हाँ, नाम सुने हो कभी? हाँ, कहीं सुने हो, कहाँ सुने हो? देखिए, ये सब G7 जो देख रहे हैं, ये विश्व के शक्तिशाली देशों का एक समूह है। जैसे G20, नाम सुने हो? भारत G20 का अभी क्या किया था अध्यक्षता, अभी तो ब्राजील में चला गया ना, तो इसी तरह से जो विकसित जो देश है उन लोगों का समूह को G7 कहा जाता है, और अभी G8 भी बना था, ठीक है, और देश जैसे जैसे विकसित होगा ना तो उसका जी बढ़ता जाता है, ग्रुप बढ़ता है उसका, तो विकसित देशों का समूह को क्या कहा जाता है? G7 के नाम से, पहले 7 को देश जो था G7 में, यानी जो विकसित देश था, और उसके बाद जो विकासशील देश आता है उन लोगों का लिस्ट आता है G20 जो था, ठीक है, विकासशील देश, 20 को देश विकासशील है अभी, तो इस तरह का होता है। तो G7 क्या है? विकसित देशों का समूह, तो G7 याद रखिए कितना नंबर? G7, ठीक है, जी का कितना नंबर हो गया? 7। देखिए, तो यहाँ पर आपका कितना तक हो गया? ABCDE तक हो गया, ABCDE तक आपका याद हो गया, F भी, G क्या याद हो गया, H याद हो गया, I याद हो गया, हो गया, I कितना नंबर? 9, I के बाद J आता है वो भी याद हो गया, 10 होगा, और J के बाद K कितना? 11, ठीक है, नेक्स्ट आइए 10, 11 तक, M, मिडिल वाला M बताए हैं, M कितना नंबर होगा? 13, और 13 से पहले L आता है 12 में, ठीक है, और M के बाद N 14, N के बाद O 15, ठीक है, और 16, देखिए 16 में जो होता है ना, ये आपका P को पलट के लिखना है, ठीक है, तो ये आपको कितना 16 नंबर, इसको याद रखना है, एक दो को याद रखना है, ठीक, P के बाद Q R तक याद रखना है, Q कितना होगा? 17, और R कितना? 18, और उसके बाद T20, T से पहले S आता है, तो S कितना हो जाएगा? 19, ठीक है, N 19, और T के बाद क्या आता है? U 21, ये देखिए, इधर से एक डंडा ले लीजिए, क्या है? एक डंडा, और इधर से गांधी जी का दो का डंडा, कितना? 2, भी कितना? एक को नहीं लेना है, दो को लेना है, तो 22, ठीक है, भी कितना? 22, भी के बाद W आता है ना, तो इधर 2 लेना है, इसको पलट के W को इधर 23, W कितना हो जाएगा? 23। अब जब भी हम लोग X लिखते हैं तो X में 2 को डंडा लिख दिया, और 2 के बदले यहाँ कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 2 के बाद 4, यानी 24, X कितना हो जाएगा? 24, 2 को विभाजित कर दिए तो कितना होगा? 4 हो गया ना, तो 2, 2 में 4 होता है, X गुना करेंगे तो 2, 2 में 4 होगा ना रे, 2, 2 कितना? 22 नहीं, 4, ठीक, तो इधर 2, 2, 4 हो जाएगा, तो ये देखिए 2 × 2, 4 हो जाएगा, तो X कितना नंबर? 24, तो X के बाद तो Y आता है, तो 25 नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट आइए, इसको लिखोगे क्या आप लोग? नहीं ना, इसको सिर्फ याद करना है, अभी एक बार आप लोगों को चेक करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे अभी हम लोग।
एक बार चेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग अभी आगे इसको और एक चीज कुछ चीज बताएंगे। देखिए तुम बता कि सबसे पहले तो टी कितना नंबर, 20, यू, टी के बाद यू आता है 21, टी से पहले एस आता है कितना 19, चलो तुम बताओ जी, एम बीच में आता है कितना नंबर 13, ठीक, एम के बाद एन आता है कितना नंबर 14, उसके बाद ओ आता है कितना होगा 15, एच का बताओ तो 8, तुम बताएगा आई 9, जी गया, अरे जी एस जी ऐसे ना लिखे थे, इधर वाला देखना कितना 7, ठीक है। चलिए एफ, जी से पहले आता है एफ, 6 होगा, ठीक। चलो एक्स का बताओ तो, दो को इधर लकीर दे दिए, कितना होगा 1, 2, 3, 4, कितना 24, ठीक है। डब्ल्यू का बताओ तो कितना 23 हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग थोड़ा सा दिमाग में जोर दोगे ना तो याद हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा है। अब जो प्रैक्टिस करोगे ना तो उस समय नंबर लिख लेना उससे ऊपर में, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए तो ये लगभग आप लोग को याद हो रहा है, ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें नंबर तो याद रखना है, अब इसके साथ में जानते हो इसका ऑपोजिट लेटर याद रखना है, ऑपोजिट लेटर, समझ आ रहा है। कभी कल ऑपोजिट यानी उल्टा करके ये लोग सेट करता है, जैसे देखिए ऑपोजिट लेटर, ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा जेड, बी का वाई, सी का डी, ई, तो इस तरह से ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर कभी भी आपको मान लेते हैं निकालना रहेगा ना और आपको नहीं पता है तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे होगा। ऑपोजिट लेटर देखिए, जेड कितना 26 और ए कितना 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी दोनों का योग जो है ना हर जगह आपको 27 देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो आप देखिए मान लेते हैं आप किसी का भी ऑपोजिट आप हमको निकालने बोल रहे हो, कोई भी एक संख्या, कोई भी एक लेटर बोलो, नाम आप लोग कोई भी बोलो, कितना पी, तो देखिए 27 में पी का वैल्यू कितना होता है, पी का 16 आपको याद रहना चाहिए, तो एक यहाँ भी एक, तो पी का जो वैल्यू होगा ये 11, इसका ऑपोजिट लेटर होगा 11, में आपको पता होना चाहिए कि है, देख लो वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से आप मान लेते हैं आपको याद नहीं रहता है तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो, 27 में माइनस कर देना, ठीक है। अब दूसरा तरीका, आपको माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, आप तरीका आप लोग को बताएंगे यहां पर याद करने का। देखिए इसको याद कैसे करना है, कुछ कुछ यहां पर कोड देंगे, ठीक है। देखिए वर्ड को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए का तो आपको पता है जेड हो जाएगा, ए शुरुआत में है, जेड लास्ट में है। आप लोग कोई कोई इंग्लिश तो पढ़ने आता ही होगा, अभी एक वर्ड लिख रहे इसको पढ़ना आप लोग, चल लड़की तुम पढ़ो, हाँ देखो जब इसको जो इंग्लिश जानता है ना तो उन लोग से जब प्रोनाउंसिएशन इसका सुनोगे तो ये ओ जो है यहाँ पर साइलेंट रहता है, ये पता ही नहीं चलता ओ है कि नहीं, समझ आ रहा, सिर्फ बी और वाई इसको आपको पता चलेगा, ऐसा होता है। तो ओ यहाँ पर क्या होता है साइलेंट, ठीक है, उन लोग जब उच्चारण करता है ना तो वहां पर ओ साइलेंट हो जाता है, तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा वाई, दोनों एक दूसरे का, और वाई का, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का होगा, बी का ऑपोजिट अगर आपको पूछेगा क्या हो जाएगा वाई, और वाई का बी, ठीक। नेक्स्ट आइए एक वर्ड लिख रहे हैं फिर, एम ए एन, यहां भी ए आपका साइलेंट रहता है मेन, ठीक है, तो इसमें एम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एम का क्या होगा एन, और एन का एम। तो देखिए एक वर्ड यहां पर हम लिख दिए थे क्या बॉय, तो बॉय में बी का ऑपोजिट क्या हो गया वाई, और वाई का बी, वाई का बी, जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट होगा ना, ठीक है। चलिए दूसरा मेन, मेन में ए साइलेंट है तो एम का ऑपोजिट क्या होगा एन, और एन का एम, ठीक। नेक्स्ट आइए,
क्या लिखे है? साठ जोड़ा बनाना है। जोड़ा बन गया, टी अकेला हो गया तो उसको बीच साइड कर दे, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो देखिए एस का अपोजिट, अरे सामने वाला लेना साठ, ठीक है। एस का एच और आई का, आई का क्या होगा? आर। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। ये देखो एस का क्या होगा? एच, आई का आर, आर का आई। तो इस तरह से कुछ कुछ वर्ड से आप क्या करोगे, इसको मिलाओगे, ठीक। दूसरा आइए ओरिगो लेते हैं। केपी समझते हो? अरे नहीं जानता है हा? दुकान में जाना और केपी दीजिए ना बोलना, ठीक है। दुकानदार को समझ में आ जाता है क्या चाहिए अगला पार्टी को, ठीक है। समझ आ रहा है केपी मतलब क्या होता है? नहीं पता है? कमला पसंद। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, पीके। पीके एक मूवी आया था, ठीक है। पीके, पीके आया है का? ऐसे ही बोलता है ना उसमें, पीके वहाँ, पीके। अच्छा हाँ, पीके हो गया, यही ना। तो केपी याद रखिए, जिसको जो कोड याद रहेगा, केपी मतलब होता है कमला पसंद। तो आप इसको भी बहुत, इसका देखते इतना प्रचार, बड़े बड़े एक्टर लोग इसका प्रचार कर रहा है, समझो कि कितना इन लोग पैसा देता होगा रे इसी का ना। हाँ सही बता रहे हैं, क्रिकेट वाला स्टेडियम में ही देखता है कितना पैसा इन लोग खर्च करता होगा। देखो इसका दाम कितना है? पांच रुपया। तो पांच रुपया का जो खर्च होता है उसके लिए इतना एडवर्टाइज, और उन लोग कमाई कहाँ से होता है? पांच रुपया में पांच रुपया बेचता है, मैक्सिमम आदमी खाता होगा लग रहा है, ठीक है। हाँ तो देखिए केपी समझ आ रहा है। दूसरा आइए, आप इधर से भी याद रख सकते हो पीके, समझ आ रहा है। तो पी का ऑपोजिट क्या होगा और के का? पी। आइए और एक दो को देखते हैं। जोरू समझते हो? बता हा? पत्नी को जोरू नहीं समझते हो? अरे जानता है कि नहीं? हाँ जानता है कि नहीं, पूछ रहे हैं। नहीं जानते हो? तुम्हें ना बोल रहा था पत्ती खेलते हैं सर, जुआ। जुआ खेला है कभी? अरे ताश वाला कार्ड, हाँ उसमें दो तीन को रहता है, देखिए फोटो। एक होता है बादशाह, होता है ना, जिसको राजा बोलता है ना, और एक क्वीन होता है, रानी, और एक होता है गुलाम, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जोरू का जो देख रहा ना, ये क्यू जो होता है ये जोरू होती है, है ना, और इसका, इसको बोलता है गुलाम, नहीं पता है। और जो वासा होता है वो के होता है, वो पीके में आ गया, ठीक है। इधर हो गया क्या? जोरू, और इधर गुलाम। तो क्यू का और जे का याद रहेगा ना, तो जे का क्या होगा? क्यू, और क्यू का यानी जोरू का गुलाम याद रखना यहाँ पर, ठीक है। जे का क्यू, क्यू का जे। नेक्स्ट आइए। कभी भी आप लोग से मान लेते हैं कोई गलती हो जाती है या कहीं जाना रहता है और अचानक मिस कर गया, तो आप लोग अपने मुंह से कैसा वर्ड निकालते हो? उप, उप, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। तो उप देखिए, उप को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो देखो कैसे लिखते हैं उप को, यू एफ, यानी देखा जाए यहाँ पर यू का उल्टा क्या हो जाएगा? एफ, ठीक है। यू का क्या हो जाएगा? एफ, और एफ का क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो यू का ऑपोजिट क्या है? उप, उप याद रखना, यू का ऑपोजिट एफ, और एफ का यू। चलिए नेक्स्ट और एक देखते हैं। आप लोग को एक यहाँ पर वर्ड लिख रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीटी। जीटी का नाम सुने हो? जीटी रोड का नाम कौन कौन सुना है? जीटी रोड नहीं, नहीं सुना रे? हाँ सुने हो,
कहाँ है जीटी रोड? नहीं जानता है, जानते हो भार, अगर आपको पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है तो अरे लंबी सड़क पूछ रहे हैं तो रेलवे बोलता है, रेलवे सड़क में चलता है। भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम क्या है? जीटी रोड। क्या नाम बता रहे हैं? जीटी रोड, ठीक है। जीटी रोड का मतलब समझते हो, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या कहते हैं इसको? ग्रैंड ट्रंक रोड। अब ये देखिए जीटी रोड जो देख रहे हैं ना, इसको सबसे पहले अशोक ने इसको बनवाया था, सबसे स्टार्टिंग में। हाँ, सम्राट अशोक जो नाम सुने हो ना, उसने सबसे पहले बनवाया था, और उसके बाद इसको मरम्मत किया और इसका थोड़ा सा लंबाई इसका बढ़ा दिया, वो था आपका शेरशाह सूरी। इसलिए अभी आपको देखने को मिलता है, कहीं भी आप सर्च करोगे ना तो जीटी रोड किसने बनाया था, शेरशाह सूरी मिलता है। समझ में आ रहा है? तो जीटी रोड को उसने मरम्मत किया और उसको अभी का जो ढांचा है उसको तैयार किया है किसने? शेरशाह सूरी ने। समझ में आ रहा है? तो जीटी रोड अगर आपको पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है, जीटी रोड। जीटी रोड झारखंड से गुजरी है कि नहीं? हाँ, कुछ कुछ दूरी आपका गुजरी हुई है, उधर आपका गया के सामने वो आपका कोडरमा साइड में वो सट जाती है। हाँ, झारखंड में जीटी रोड पूरा पूरा तो NH1 और 2 को मिला के बनाया है ना। NH1 कितना है देखो, और NH2 कितना लंबाई है, दोनों को मिला के जीटी रोड का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो वो है आपका जीटी रोड। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी, और टी का जी। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड में, ए का अपोजिट देख लिए थे हम लोग, ए का अपोजिट, बी का और यू, एफ का यू, इसका भी देख लिया, जी का टी ये भी देख लिया, SH देख लिया ना, IR भी देख लिया, जरू का गुलाम देख लिया है, KP भी देख लिया, MN देख लिया, और कुछ बचा उसको देखिए। एगो यहाँ पर लिख रहे हैं, एक चीज बताइए, C6 सी का क्या हो जाएगा? 6। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखना, चाहे देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, जब कट करते हो ना तो ऐसा लिखा जाता है, Ctrl+C होता है ना, कंप्यूटर में कभी कट किए हो? नहीं। तो Ctrl+C करने से वहां पर क्या हो जाता है? कट हो जाता है, ठीक। और इसके बाद आपका ऐसे यदि हम लोग किसी को कट करना चाहेंगे तो कैसे? क्रॉस। तो सी का क्या हो जाएगा? एक्स, और एक्स का सी। नेक्स्ट आइए, ये देखो वुड, ये दोनों जो है बीच का साइलेंट है, तो W का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? और D का W, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, एक आपका वर्ड बचा, इसको भी कर दे रहे। इसके लिए एक ओड लिखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब नहीं पूछना है आपको, खाली ऑपोजिट जानना है, ठीक है। L का क्या हो जाएगा? O का L, और V का क्या हो जाएगा? E का V। ऑपोजिट हो गया, तो सभी का आप लोग ऑपोजिट इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी तुरंत आपको चेक करेंगे, इसको लिख लो।